वेलकम सो माई फ्रेंड्स माई डियर स्टूडेंट, आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो आपका वर्ड को स्पेलिंग को बनाना, इस स्पेलिंग को बनाना हम ऐसे बता रहे थे, पहली क्लास हो चुकी है जिसमें हम एकदम बेसिक से स्पेलिंग को बनाना, मतलब कोई भी आपका जो वर्ड होता है इंग्लिश में उसको आप कैसे करेक्ट पढ़ पाएँ इंग्लिश में, ब्रिटिश लिटरेचर या इंग्लिश लिटरेचर में, अमेरिकन लिटरेचर जो होता है, यानी इंडियन लिटरेचर और अमेरिकन लिटरेचर और ब्रिटिश लिटरेचर जितने भी आपको इंग्लिश में होते हैं, इनमें से कैसे क्या फ़र्क कर पाएँ, मतलब कैसे हम पढ़ें, उसकी जो वीडियो है उसको बना चुके हैं। मतलब पहली पार्ट हम बना चुके हैं, दूसरा बना चुके हैं, तीसरा आज चौथा पार्ट है, आपको सामने दिखाई दे रहा है, चार पार्ट है, चौथा पार्ट है। पहले पार्ट में हमको उसमें हम कैसे हम उसको प्रोनाउंस कर पाएँ उसको, हम उसके लिए कुछ रूल्स लिखाए हैं, छोटा सा रूल है, मतलब जिसको आपको वावेल और कॉन्सोनेंट को हम एकदम स्टार्ट से बताएँ, कैसे वावेल को और कॉन्सोनेंट को हम किस तरीके से पढ़ें उसको हम बताएं उसमें। दूसरे पार्ट में हम कुछ वर्ड को बनाए हुए हैं, तीसरे पार्ट में हम साइलेंट लेटर को बताए थे, साइलेंट लेटर, अगर साइलेंट लेटर आप नहीं समझते हैं, साइलेंट लेटर जाके तो कोई कोई अक्षर कब साइलेंट हो जाता है उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश प्ले फॉर इंग्लिश विद ऑल के लिए मिलेगी, उसमें बहुत सारी मस्त वीडियो हैं, इंग्लिश की पूरा क्लास है, ग्रामर टोटल ख़त्म, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट जितनी भी चीज़ें हैं, ट्रांसलेशन ओवरऑल, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो अगली क्लास लेकर आए हैं इसमें हम अक्षरों का क्रम बदलने से उच्चारण में भेद, यानी क्या होता है कभी कभी आप देखेंगे सी को आप कहीं पर का पढ़ते हैं, कहीं पर सा पढ़ते हैं, तो कहीं पर चा पढ़ते हैं, मतलब तमामों कंडीशन है, तो ये क्यों बदल जाता है इसका नियम लिखाएंगे, और ये हो सकता है इसको दो पार्ट में हम दें, अगर आज एक पार्ट में हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो दो पार्ट में दे सकते हैं और आपको अच्छा भी लगेगा, ठीक है। तो स्पेलिंग फॉर्मेशन का ये आपका चौथा पार्ट है जिसमें करेक्ट वर्ड फॉर्मेशन में करेक्ट वर्ड को फॉर्मेट करके बताऊंगा और उसका प्रोनाउंस भी करके दिखाऊंगा आपको, चलते हैं बताते हैं। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस एडी चैनल, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्पेशल वीडियो आप इसी तरीके से देखते रहिएगा, ठीक है। पहले हम देखते हैं सी का उच्चारण, किसका उच्चारण, सी का उच्चारण देखते हैं, ठीक है। पहले हम देखते हैं सी का उच्चारण, सी का उच्चारण पहले देखते हैं, ठीक है। तो सी का उच्चारण में इसको क्या क्या पढ़ते हैं, सी को आपको पता होगा सा पढ़ते हैं और का पढ़ते हैं, ठीक, दो पढ़ते हैं, कभी सा पढ़ेंगे तो कभी का पढ़ेंगे। एक बात ध्यान रखना, सी के बाद अगर एच आता है तो चा पढ़ेंगे, सी के बाद एच आता है तो क्या पढ़ेंगे, चा पढ़ेंगे, लेकिन ओनली सी हो तो कब क्या पढ़ेंगे इसको ध्यान में देना है, ठीक है। क्या ध्यान देना है, जब ओनली सी हो तब, एच हो तो च पढ़ेंगे, उसको आप भूल जाइएगा कि इसमें है, इसमें सी ओनली की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम सी के बाद हम रूल इसका हम लिख देते हैं थोड़ा सा, रूल लिख देते हैं इसमें आपका, ठीक, क्या है कि सी के बाद पहला रूल क्या है कि सी के बाद अगर सी के बाद ई जे वाई आए, अगर ई जे वाई आ रहा है तो सी को सी मतलब सा पढ़ा जाएगा, सी को सा बोलेंगे, ठीक हो, ठीक हो गया। उसके बाद अगला रूल है दूसरा, अगर सी के बाद मतलब सी के बाद ही आपका क्या है ए ओ यू, ध्यान दीजिएगा, के आर टी, ये चीज़ें आए तो सी को का पढ़ेंगे, क्या बोलेंगे, का बोलेंगे, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तीन नियम हो गए, और उसके बाद तीसरा, दो नियम हो गए, तीसरा नियम क्या है, ये हो गया। अब है कि कभी कभी सी के बाद आपका, सी के बाद आपका आई ए या ई ए, और मान लीजिए, और नहीं हो गया, आए तो अगर ये दोनों मान लीजिए ये सब आ रहे हैं तो सा को इसको क्या पढ़ेंगे, सा बोलेंगे,
ये तीन रूल है सी का, सी का तीन रूल बोलते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम बोलते हैं आपका रिसीव, उदाहरण देखिए, ये देखिए इसमें क्या है, देखिए सी है, सी के बाद इसमें से क्या आया है, ई आई ई जे वाई, ई जे वाई है इसमें, ई जे वाई है तो हाँ ठीक, इसमें आई होगा, यहाँ पर भूल गए, ई आई ए, ठीक है ये, तो ये चीज़ें इसमें देखिए सी के बाद क्या है, आई आया है, अगर सी के बाद आई आ गया है तो इसमें देखिए सी को क्या पढ़ा गया है, सा, रिसीव में आप सुने होंगे रिसीव, और बहुत सारे हों, जैसे आपको लिख देते हैं राइस, इसको हम बोलेंगे रिसीव, रिसीव सा बोलेंगे, इसमें भी देखिए राइस, इसको राइस बोलेंगे, इसी तरीके से बहुत सारे हैं, आपको सिनेमा है, देखिए सिनेमा, ये सिनेमा हो गया, और बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पर देखिए अगले वाले पर कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसमें आपका पीस आ जाएगा, पीस आ गया, और मान लीजिए इसी तरीके से बहुत होते हैं, हाँ आईसी हो गया ये, उसके बाद आपका क्या है, सेंचुरी है, ये हो गया, देखिए इसको पीस बोलेंगे, इसको आईसी बोलेंगे, मतलब आइस बोलते हैं तो आप आईसी बोल सकते हैं, तो आईसी हो गया, सेंचुरी बोलेंगे, ये हो गया। दूसरे नियम पर देखते हैं, मतलब सी के बाद अगर ए यू कुछ भी आता है तो हम उसको का बोलते हैं, तो का वाले में से देखते हैं आपका, ये हो गया कोट, ठीक, सी के बाद ओ आ गया, अभी ए वाला देखते हैं, कोई ए वाला, सी के बाद ए आ गया, इसको अब देखिए इसको कोट बोलेंगे, कोट, कैट, और यू वाला भी बचा हुआ है, यू वाला कोई लिखते हैं, सुने होंगे कप, वैसे भी होता है सी यू पी कप, ये हो गया, और के वाला बच रहा है तो अब के वाला देखिए, उसके बाद के, हाँ ये हो गया, देखिए इसमें दो आ रहा है, सी के बाद ओ रहा है तो का बोला गया, सी के बाद फिर के आ रहा है तो फिर का बोला जाएगा, कॉक हो गया दो बार इसमें आपका, उसके बाद आर वाला बच रहा है, अभी आर वाला अगर कोई यूज करते हैं, आर वाला, नहीं नहीं गलत हो रहा है, आर वाला, आर वाला, आर वाला, सी के बाद आर वाला, सी के बाद, हाँ ये आ गया, सी आर यू ई एल, सी आर यू ई एल, क्रूएल, क्या है क्रूएल, क्रूअल जिसको बोलते हैं, ठीक, ये क्रूअल हो गया, मतलब इसको क्रूर बोलते हैं, उसके बाद और रहता है आर वाला, हो गया टी वाला बच रहा है, अभी क्या बच रहा है, टी वाला, टी वाला, टी वाला, टी वाला, कोई भी है, कोई भी है, सी के बाद टी, सी के बाद टी, सी के बाद टी भी मिल नहीं रहा है, ढूंढिएगा मिल जाएगा, और हम कोई चीज़ लिख देते हैं, जैसे आपका मान लीजिए एक आपका लिख देते हैं बैक, ये इसमें के आ रहा है तो ये बैक हो गया, ये बैक हो गया ये वाला, तो हम सी के उच्चारण का लिख दिए, सी के उच्चारण के बाद अगर हम पढ़ते हैं, सी के उच्चारण के बाद हम पढ़ते हैं किस पर, जी के उच्चारण पर, ठीक है, जी के उच्चारण, जी का उच्चारण, ठीक है, सी का उच्चारण आपका था,
अब जी का उच्चारण है, जी के उच्चारण में आपका कौन कौन सा आता है, जी के उच्चारण में आपका जी का क्या क्या होता है, जी का ग और ज होता है, क्या ग होता है और ज होता है, ये सारी चीज़ें हम पहले भी लिखवा चुके हैं, जो कंसोनेंट में लिखवाए थे उसमें लिखवा चुके हैं, तो उसको आप देखिएगा उसमें मेरे को मिल जाएगा। तो वहाँ पर पहला नियम इसमें का क्या है, पहला नियम इसमें का ये कहता है कि जब अंत में आपका जी ई हो, क्या हो, जब अंत में जी ई हो, अंत में जी ई हो तो इसका उच्चारण जा होगा, तो जा होगा, तो जी को जा बोलेंगे, जा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जा, ठीक, ये हो गया। दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल ये कहता है कि आपका कुछ और रूल है कि मान लीजिए, वैसे कोई खास रूल इसमें नहीं है, फिर भी आप समझिए कि आपका मान लीजिए कि कुछ स्थानों पर गा बोला जाता है, उसका कोई रूल नहीं है, कुछ मान लीजिए स्थलों पर गा बोला जाता है, ठीक है, इसका ज़्यादा रूल वूल नहीं है, फिर भी आप देखिएगा, मैं लिखता हूँ बहुत सारे शब्द, आपको खुद ही पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर जिंजर मिलाइए, क्या है जिंजर, कारण किस लिए जिंजर, देखिए जी के बाद ई आया है, यहाँ पर जी के बाद आई आया है, तो जी के आपका जी के बाद आई भी आता है तब भी आपका ठीक है, जा हो गया, ई हो गया, कुछ भी है, तो जिंजर ही हो गया। उसके बाद और देखते हैं तो आपका जैसे कि इमेजिन क्या हो गया, इमेजिन हो गया आपका, इसको भी देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, आपको इसमें देखिए मिलाकर देखिए, इमेजिन यहाँ पर जी आई आया है, इमेजिन ये हो गया। उसके बाद और सारे शब्द देखते हैं, आपका पेज यहाँ पर देखिए जा गया, पेज हो गया, इसी तरीके से सेज होता है, ये भी सेज आ गया। इसी तरीके से आपका अगले अगर नियम में देखते हैं तो ये होता है जिम, ये आ गया आपका। इसी तरीके से अगर अगले नियम में देखते हैं हम तो ये बैग हो गया, इसमें देखिए बैग आ गया, गा गया, ठीक है। और अगर इसी तरीके से अगर हम और नियम पर देखते हैं तो आपका टी एच यू एन जी, आपका हंगर हो गया, इसमें गा आ रहा, इसका कोई रूल नहीं है उतना, ठीक है, आप ध्यान दीजिए कुछ ऐसे ऐसे इन शब्दों पर जो भी है सभी वैसे ही आपका उच्चारण करेंगे, चाहे जो भी हो इसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपका ये आपको फॉरगेट हो गया, इसमें भी गा आ रहा है। उसके बाद अगर हम और कोई देखते हैं मान लीजिए तो आपका ये होता है गोल्ड, गोल्ड हो गया, तो ऐज ऐसे है, ठीक है। अगर हम अगला रूल देखते हैं गा के बाद सा का रूल, एस का रूल, ठीक है, एस का उच्चारण, इसका अधिक उच्चारण है, ध्यान में रखिएगा, इसको आप बहुत बड़ा उच्चारण है। सा को क्या क्या बोलते हैं उसको, आपको सा को जा बोला जाता है, सा बोला जाता है और सा बोला जाता है, ठीक है। पहले रूल में लिखते हैं कि शब्द के अंत में आपका क्या क्या हो, मान लीजिए बी ई हो, कामा जी हो, कामा डबल जी हो, कामा जी ई हो, कामा आपका आई ई हो, कामा आपका ई एफ हो, कामा आपका वाई हो, तो इसके बाद मतलब इसके बाद यस का उच्चारण जा होगा। शब्द के अंत में अगर ये सब हो तो इसके बाद लगे यस का, अगर इसके बाद यस हो तो
ज होगा, ठीक याद रखिएगा, मतलब इन सब के बाद अगर ऐसा है तो ज होगा। दूसरा रूल ये है कि अंत में, शब्द के अंत में, शब्द के अंत में आपका एफ हो, पी हो, के ई हो, उसके बाद जी एच टी हो, उसके बाद पी ई हो, क्या हो, पी ई हो, उसके बाद टी ई हो, ठीक ये हो। और इसके बाद यस हो तो स होगा, क्या होगा, स होगा, ठीक। अगला नियम देखते हैं, अगले नियम में क्या है कि शब्द में यस या डबल यस के बाद, शब्द में यस या डबल यस के बाद, मतलब यस या डबल यस हो, उसके बाद आई ए आई ओ एन हो तो, मतलब ये सब हो तो यस को सा, क्या सा बोलेंगे, ठीक है। अधिकतर मतलब हमेशा नहीं, अधिकतर ये हो जाएगा। इसके बाद बचता है टी का नियम। टी का नियम इसमें हम लिख देते हैं, कहो तो बच रहा है केवल टी का नियम, बाकी और कुछ बच नहीं रहा है। टी का नियम अकेले ही बता देंगे, छोटा वीडियो होगा उसको देख लीजिएगा। इसमें देखते हैं पहले भी, इस भी इसमें एक उदाहरण हम लिखते हैं, मान लीजिए आपका ये हो गया, ठीक, उसके बाद आपका ये हो गया, 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 उसके बाद आपका ये हो गया। और मान लीजिए यहाँ लिख देते हैं, और ये हो गया, उसके बाद आपका 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 ये सारे शब्द हैं और लिख देते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सभी के नाम बताने चलते हैं। देखिए इसमें जी के बाद ऐसा आया है तो इसमें क्या होगा, जाओ क्या होगा, बैग्स, देखिए जी के बाद एस, जी के बाद एस तो ए है आपका, ए है, बैग्स क्या होगा, ठीक है, बैग्स होगा, क्या होगा, बैग्स, बैग्स, उसके बाद आपका इग्ज, जिसको एग्ज बोलते हैं, एग्ज हो गया, उसके बाद एजेज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मतलब एजेज जिसको बोलते हैं, एजेज हो गया, उसके बाद रूपीज हो गया, रुपीज हो गया, उसके बाद आपका ये नाइट्स हो गया, ये आपका एस में आ गया, नाइट्स हो गया, उसके बाद आपका जोक्स हो गया, ईस्सा में आ गया है, जोक्स हो गया, हीरोज हो गया, बड़ी का मात्रा लगाएंगे, हीरोज हो गया, टॉयज,
टॉयज हो गया, इसमें भी लाते जाएगी सारी चीज़ें लास्ट में आई हुई हैं। उसके बाद आपका रेज हो गया, क्या हो गया, रेज हो गया। उसके बाद आपका स्टोरीज हो गया, स्टोरीज 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 हो गया। सिप्स हो गया, इसमें सवाल आ गया। सिप्स हो गया, क्या हो गया, सिप्स हो गया। और होप्स हो गया, होप्स हो गया। यहाँ पर देखते हैं अगला लास्ट वाला आ गया, एशिया हो गया। इसमें सवाल आ गया, ये वाला अनुवाद, ये वाला एशिया हो गया। पेंशन हो गया, पेंशन के बाद ये आपका रसिया हो गया। ये इसमें साई वाला लिखेंगे तो ये रसिया हो गया, क्या हो गया, रसिया हो गया। ये वाला देखते हैं, सेशन हो गया, पहले ये वाला सा, उसके बाद ये वाला सा, सेशन हो गया। उसके बाद आपका आ गया क्या, सेशन के बाद आपका एग्रेशन, एग्रेशन एग्रेशन, क्योंकि इसमें भी ये वाला रूल हो रहा है। इस तरीके से इसमें से आपका उच्चारण चेंज करने वाले शब्द हो गए। अभी टी का बच रहा है, जो कि बहुत उसमें भी आता है, टी का कई उच्चारण होता है, चार पांच उच्चारण होते हैं, इसमें ना आता इसलिए मैंने कि उसका एक वीडियो बनाएंगे, छोटा सा वीडियो। उस वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जुड़ जाइएगा हमारे चैनल से। सभी सब्जेक्ट की यहाँ पर हम वीडियो डालते रहते हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगी, आप जाके मेरे चैनल को देखिए, उस पर बहुत सारी वीडियो हैं। सभी वीडियो को आप देखिए, ओवरऑल देख कर देखने बाद आप जरूर कमेंट करिएगा, और उसके बाद हो सके सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और उसको शेयर भी करिएगा, और हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। सभी प्रकार की हाई स्कूल इंटर तक की जितने भी सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट वीडियो डालते हैं, ये मान के चलिए, ठीक है। मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं, अपडेटेड न्यूज़ जो भी होती है, चाहे वो रिजल्ट से रिलेटेड हो, चाहे आपका सिलेबस से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, एग्जाम से रिलेटेड हो, स्कॉलरशिप वगैरह सारी चीज़ें न्यूज़ भी देते रहते हैं, आपको यहाँ पर मिलेगी। तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं बेफिक्र, बेफिक्र कहने का मतलब एकदम आराम से। आपको यहाँ पर पूरा हम परफेक्ट नोट्स अभी हम नहीं कंप्लीट किए हैं, इसलिए नोट्स हमें यहाँ प्रोवाइड नहीं हो सकता है, फिर भी धीरे धीरे कोशिश, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम जरूर नोट्स तैयार करेंगे, अच्छे नोट्स एकदम परफेक्ट, आपको अच्छे मार्क लगे। फिर भी मोटिवेशनल वीडियो आप पा सकते हैं 10 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में, या 1-2-3 महीने में कैसे तैयारी करेंगे, सभी का मोटिवेशनल वीडियो है। कब कैसे, सुबह कैसे पढ़े, शाम को क्या पढ़े, कौन सा टाइम टेबल अपना है, उसकी सारी मोटिवेशनल प्लेलिस्ट है, उसको भी देख सकते हैं हमारे चैनल से मोटिवेशनल वीडियो। ओके, आपको अगर मोटिवेशन वीडियो देखेंगे तो आपको हौसला जरूर आ जाएगा। तो यही था, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर ड्राइंग सीखना चाहते हैं तो हमारे एक चैनल, हमारे मित्र का चैनल है A to Z Art सुरेंद्र, उस चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ड्राइंग से रिलेटेड सिखाई जाती हैं और अच्छे से बताई भी जाती हैं, एकदम एडवांस लेवल तक, और आप यहाँ इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पाएंगे, टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगी, वहाँ पर मिलेगी, वहाँ पर जाइए, ज्वाइन होइए, सभी की PDF वहीं पर हम देते हैं। ओके, नमस्कार एंड जय हिंद।